उज्जैन जिले में सर्जन की अखिल भारतीय संस्था अमासी के द्वारा पहली बार स्किल कोर्स और एमास की परीक्षा का आयोजन शुक्रवार को उज्जैन के अंजुश्री होटल में किया। इस सेमिनार का आयोजन डॉक्टर मयंक गुप्ता द्वारा किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के कई बड़े सर्जन ने अपने द्वारा किए कार्यों से मार्गदर्शन किया। शहर में पहली बार दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन या लैप्रोस्कोपी सर्जरी की नेशनल स्किल कोर्स का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय सेमिनार में विशिष्ट कोर्स उज्जैन ही नहीं प्रदेश और देश के भी सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट शामिल हुए। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। ये अमासी का स्किल कोर्स है। अमासी बेसिकली स्टैंड करता है एसोसिएशन ऑफ मिनिमल एक्सेस सर्जन ऑफ इंडिया के लिए। ये हिंदुस्तान की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सबसे बड़ी संस्था है, जिसमें 10,000 से अधिक सर्जन्स व गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो अमासी हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में, अधिकांश महानगरों में ये स्किल कोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे कि बाहर से फैकल्टी आते हैं, टीचर्स आते हैं और नए उभरते हुए लेप्रोस्कोपिक सर्जन्स और गायनेकोलॉजिस्ट को वे अपना शिक्षा देते हैं। तो उज्जैन शहर को ये पहली बार गौरव प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अमासी हेडक्वार्टर्स की तरफ से, उन्हीं की तरफ से कॉल आया कि हम चाहते हैं कि आप उज्जैन में ये स्किल कोर्स ऑर्गेनाइज करें। तो ये स्किल कोर्स में, ये 3 दिन का स्किल कोर्स है और इस 3 दिन के स्किल कोर्स में सभी गायनेकोलॉजिस्ट और सर्जन्स को उन्हें पूरा लेप्रोस्कोपी की बारीकियों के बारे में बताया जाएगा। सर, और आगे किस तरह के और कार्यक्रम हुए और उज्जैन को किस तरह की सौगात मिलेगी, लोगों को फायदा पहुंचेगा? ये जो स्किल कोर्स है, ये उच्च शिक्षा का माध्यम है। इससे आने उज्जैन तथा आसपास के क्षेत्र में जिन लोगों ने इस कोर्स में रजिस्टर किया है, उनकी तकनीक में बहुत ज़्यादा विकास होगा। वे और ज़्यादा जटिल तरीके का लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ऑपरेट करेंगे, या जो ऑलरेडी जटिल कर रहे हैं वो, उनके अंदर और दक्षता आएगी। साथ में वे अपने नॉलेज का जो आदान प्रदान है वो आने वाले दूसरे लोगों से करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।